इस हेनरी से मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ रही है कि जब हम लोग फिफ्थ क्लास में या फोर्थ क्लास में कुछ थे, ठीक है, तो हम पांच छह बच्चों का एक ग्रुप था, ठीक है, पांच छह बच्चों का एक ग्रुप था। तो उस समय पता नहीं आप लोगों में ये चलन है या नहीं है, लेकिन हमारे टाइम में कुछ ऐसा ट्रेंड टाइप का कुछ था कि लोग अपने ग्रुप का नाम रखते थे, क्योंकि हम लोगों का एक ग्रुप का नाम था हेनरी, ठीक है। हम लोगों का पांच छह लड़कों का ग्रुप था हरियाणा में, ठीक है, उनका, हाँ, जो नाम था हमारे ग्रुप का वो था हेनरी ग्रुप। हमें नहीं पता था इतना हम फेमस है, ठीक है। हम लोगों ने नाम पता नहीं कहां से टीप लिया, किसी कोई लेके आया कि भाई हेनरी रख लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। और हेनरी ग्रुप में जो थे बच्चे, उसमें मैं था राजवंत, सुशील, ठीक है, पिलवान, पंकज, ठीक है, सोनू और मोंटी, तुम देख रहे हो, और एक और था उपेंद्र। नाम देख रहे हो और ग्रुप का नाम देख रहे हो तुम, है? हमें खुद से शर्म आने लग गई थी 5-6 दिन के बाद कि भाई नाम ना कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी वाला रख लिया है। इसमें हेनरी में नाम देखो, लड़के कौन कौन से हैं, सुशील, पंकज, पिलवान, सोनू, मोंटी और उपेंद्र। कोई पूछ लेना कि भाई हेनरी ग्रुप, उनको लगेगा कोई फिरंगी आए हैं, ठीक है, कौन है भाई हेनरी में? सुशील है, पिलवान है, पंकज है, सोनू है, मोंटी है और उपेंद्र है। नाम के हिसाब से हमारे नाम जा ही नहीं रहे थे। मैंने कहा अब देखो भाई, दिक्कत ये है, या तो हेनरी ग्रुप नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे नाम से जा नहीं रहा है, या फिर हम लोग अपने नाम चेंज करें, ठीक है। तो हमने सबने, क्योंकि अपने नाम से सभी को थोड़ी सी खुंदस रहती कि यार क्या नाम रख दिया पापा ने, है पापा हमें प्यार नहीं करते क्या, कैसा नाम रखा है। फिर हमने जब अपने पापा का नाम देखा तो हमें लगा कि शायद दादा भी नाम ऐसे ही रखा गया है। तो हम लोगों ने, सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि हम अपने घर पे जाएंगे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे कि भाई जैसे कि थोड़ा सा ट्रेंडी नाम रखा जाए, ठीक है। भाई साहब वापस आने के बाद ये हेनरी के साथ ये ग्रुप ही बंद कर दिया। सबके पेरेंट्स ने आपस में बात करी, ये बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये बाद में नाम वाम चेंज करके कुछ फिरौती विरौती कुछ करेंगे, तो हम सबकी दोस्ती तुड़वा दी गई, ठीक है। हेनरी ग्रुप हमारा वहां पर खत्म हो गया, ठीक है।